महाराष्ट्र में धीरे धीरे ही सही लेकिन अंत की तरफ बढ़ने लगा है कोरोना। मुंबई तो लगभग कोरोना मुक्त होने की कगार पर है। महाराष्ट्र में कड़ी पाबंदियों के बीच अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। राज्य में बुधवार को पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड 19 के 24,752 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 56,50,907 हो गई है, जबकि कोरोना से 453 और लोगों की मौत के बाद राज्य में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 91,341 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी दी है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि दिन में 23,065 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इसके बाद राज्य में ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 52,41,833 हो गई है। महाराष्ट्र में अब उपचाराधीन मरीजों की संख्या 3,15,042 है। विभाग ने बताया है कि राज्य में कोविड 19 मरीजों के ठीक होने की दर 92.76% है, जबकि मृत्यु दर 1.62% है। पिछले 24 घंटे में 283,394 लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से जांच की गई, जिसमें राज्य में अब तक जांचे गए नमूनों की संख्या बढ़कर 3,38,24,959 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि मुंबई में कोविड 19 के 1,352 नए मामले आए हैं और 34 मौतें हुई हैं, जिसमें महानगर में संक्रमण की कुल संख्या बढ़कर 7,340 हो गई है और मरने वालों की संख्या 14,684 हो गई है। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।